संविदा कर्मचारी से लेकर सारे कर्मचारी आंदोलन में बैठने वाले हैं। अधिकारी 5 लाख कर्मचारी अधिकारी सड़क पे थे, आंदोलन कर रहे थे अपने वेतन भत्तों की मांग को लेके, लेकिन सरकार ने अपने विधायकों और मंत्रियों का वेतन बढ़ा दिया, तो ये पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। ये शासन जो के सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी बेशर्मी को सबने देखा है। तहसील कार्यालय में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अस्पतालों में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का हमें नुकसान हो चुका है और लगातार निरंतर ये हमको नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि सरकार सारी भू संपदाओं खनिज संपदाओं से छत्तीसगढ़ परिपूर्ण है, सारी पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे पैसों से परिपूर्ण है हमारा सरकार। इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों का वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता, गरीब भत्ता सब रोक के रखी हुई है। नई पीढ़ी आ जाती है, पर हमारे शासन के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट 3 महीने में आनी थी, आज 9 महीने में भी नहीं आ पाई है। ये सरकार को जाना होगा, जैसे बीजेपी गई वैसे कांग्रेस भी जाएगी। दिसंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में बैठी कांग्रेस की सरकार के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संतुष्ट करना सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। कर्ज के भार में दबी छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ता से मानो मुंह मोड़ लिया है। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता समान तिथि से लागू करने की मांग को लेकर लगातार प्रदेश में हड़ताल हो रहा है। पिछले 5 दिनों से अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसके पूर्व भी कई बार अधिकारी एवं कर्मचारी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार है कि अपने आर्थिक हालात ठीक नहीं होने का बहाना बना इस मांग से भागती नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक हड़ताल पर चले जाने से प्रदेश भर में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरीके से कलम बंद, काम बंद और कार्यालयों में तालाबंदी पिछले 5 दिनों से प्रदेश भर में सफल रही है। सामूहिक रूप से लगभग 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश में कामकाज पूरी तरह से चरमरा गई है। इस हड़ताल में संविदा कर्मचारियों के साथ साथ सहायक शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी सभी हड़ताल पर चले गए हैं और सरकार से महंगाई भत्ता, HRA सहित अन्य मांग कर रहे हैं। सहायक शिक्षक जहां वेतन विसंगति को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वहीं संविदा कर्मचारी भी नियमितीकरण की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए यह समय पूरी तरह से मुसीबत का सबब है। सरकार ने यदि शीघ्र ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मांगों को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में खासकर 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट बचाना मुश्किल हो सकता है। इससे पहले कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बात करें, आइए जानते हैं कि आखिर DA अर्थात महंगाई भत्ता है क्या, जिसे लेकर अधिकारी एवं कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई भत्ता जीवन यापन से जुड़ा हुआ भत्ता है, जिसे सरकार अपने पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को देती है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई से निपटना होता है। DA हर कर्मचारी के लिए उसके कार्यस्थल के मुताबिक अलग अलग होता है। मसलन अगर आप दिल्ली में हैं तो आपका DA लखनऊ या पटना में कार्यरत किसी केंद्रीय कर्मचारी से अलग होगा। DA लिविंग कॉस्ट के आधार पर तय होता है, इसलिए शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग निर्धारित होता है। जब भी नया वेतनमान जारी होता है, केंद्र सरकार के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों का पेंशन भी उसी अनुसार बदलता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले महंगाई भत्ता अर्थात DA की शुरुआत हुई थी, तब इसे सैनिकों को सैलरी के अलावे खाद्य भत्ता के रूप में दिया जाता था। भारत के मुंबई में 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की शुरुआत की थी। संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण का पूर्व में सरकार बोली थी, जब हम वो लोग धरना दे रहे थे, कि हम आते के साथ आपकी मांगों को 15 दिन के भीतर पूरा करेंगे, जो आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है। उससे सारे कर्मचारियों में रोष है, आने वाला दिन में संविदा कर्मचारी से लेकर सारे कर्मचारी आंदोलन में बैठने वाले हैं। सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति है, ये भी सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति सरकार ने 1 महीना के जो अभी आंदोलन किए थे उसमें कहा था
कमेटी का गठन किया था, लेकिन वो कमेटी कुछ काम का नहीं है और वो कमेटी धरी के धरी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो केवल एक छलावा है, एक छलावा है, मत बोलिए, एक छलावा है वो। घोषणा पत्र में जितना दावा किया गया था अब तक शायद पूरा नहीं। घोषणा पत्र में चार स्तरीय वेतनमान, प्रमोशन, कर्मोन्नति का दिया जाएगा और एक क्या बोलते हैं प्रमोशन, ये सारे मांग यथा स्थिति है, एक भी मांग छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं पूरा की है, इसलिए आज हम लोगों को सड़क पे आना पड़ा है। सरकार बोलती है कि कर्मचारियों के लिए काम कर रही है सरकार, कितना आप सहमत है सरकार? बिल्कुल, आप देख ही रहे सरकार कर्मचारियों के लिए काम कर रही है, ये झूठी निकम्मी सरकार है। सबसे सबसे गरीब राज्य बिहार, वो केंद्र के बराबर डीए दे दिए, लेकिन समृद्ध और शक्तिशाली राज्य छत्तीसगढ़ ने आज तक डीए नहीं दिया है, तो देख लीजिए कितना काम कर रही है, आपके सामने है। 15 साल सरकार बीजेपी की थी, लेकिन यही हाल रहा कि 1 साल से लगातार कर्मचारी धरने पर बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर। 4 साल में वही हाल देखने को मिल रहा है कांग्रेस में। हाँ, तो जैसे बीजेपी गई वैसे ये भी जाएगी, वो तो दिख रहा है। जैसे बीजेपी 15 साल राज करके कर्मचारियों को क्या बोलती थी, ना सविलियन हुआ है ना होगा, हैं बोलती थी ना, और आज ये सरकार बोलती है यथा स्थिति हम घोषणा करेंगे, तो ये वैसे ही ये सरकार को जाना होगा। जैसे बीजेपी गई वैसे कांग्रेस भी जाएगी। कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशित है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पिछली सरकार ने कर्मचारियों के साथ छलावा किया था और 15 साल के कार्यकाल के बाद 15 सीट पर पहुंच गए। कांग्रेस ने 4 साल में ही अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशान कर रखा है। यदि ऐसा ही चलता रहा और सरकार ने हमारी बातों को तवज्जो नहीं दिया तो अगली बार इन्हें भी बदला जाएगा। कर्मचारियों का गुस्सा जायज है, आखिरकार सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये से एक बड़ा नुकसान इन्हें उठाना पड़ रहा है, न सिर्फ महंगाई भत्ते को लेकर बल्कि भविष्य में इसका असर इनके पेंशन पर भी पड़ेगा। किंतु सरकार है कि अपने खजाने में धन नहीं होने का रोना रोकर महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता के मामले को लगातार नजरअंदाज कर रही है। वर्तमान सरकार हमारी देय तिथि से महंगाई भत्ता को नहीं दे रही है। अभी कुछ दिन पूर्व जो है 5% महंगाई भत्ता बढ़ाई थी, लेकिन वो वर्तमान तिथि से दिया, हमारी देय तिथि से जो 2019 से हमारा जो महंगाई भत्ता है 34% महंगाई भत्ता की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं दे रही है। प्रत्येक कर्मचारी को, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हो चाहे वो क्लास वर्ग एक कर्मचारी अधिकारी हो, मुझे 5,000 से लेकर 15,000 रुपये का नुकसान हो रहा है प्रत्येक माह, और अभी तक लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का हमें नुकसान हो चुका है, और लगातार निरंतर ये हमको नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार सारी भू संपदाओं, खनिज संपदाओं से छत्तीसगढ़ परिपूर्ण है, सारी पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे पैसों से परिपूर्ण है हमारा सरकार, इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों का वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता, गिरी भाड़ा भत्ता सब रोक के रखी हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, बहुत खेद का विषय है। इसका पेंशन पर भी असर पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से इसको पेंशन पर भी असर पड़ेगा। जो वेतन का निर्धारण होता है, जो महंगाई भत्ता का जब बढ़ेगा हमारा डीए के रूप में, गिरी भाड़ा के रूप में, तो निश्चित रूप से जब पेंशन का जब निर्धारण होता है तो सारे कैलकुलेशन करके और पेंशन का निर्धारण होता है, तो अगर ये अगर महंगाई भत्ता नहीं बढ़ती है तो पेंशन पर भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। कितना पड़ सकता है एक अनुमान लगाया जाए? लगभग 5 से 10 हज़ार रुपए का निश्चित रूप से नुकसान होगा हर प्रत्येक कर्मचारी। वहीं धरने में शामिल सहायक शिक्षकों का कहना है कि हमारे साथ छलावा हुआ, पहले भाजपा ने किया और जब कांग्रेस आई तो वह भी अपने वायदे से मुकर गई। 4 साल पूरे होने वाले हैं लेकिन वो वेतन विसंगति के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती। एक कमेटी बनाने का निर्णय हुआ था, कमेटी भी बनी, लेकिन उसने अपना रिपोर्ट ही सरकार को नहीं दिया। वेतन विसंगति शुरू से ही है लेकिन इसे सुधारने कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है और हर महीने कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 10 से 15 हज़ार में एक सामान मध्यवर्गीय परिवार का घर चल जाता है, महीने भर का खर्च होता है। यदि हमें मिल जाए तो हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, किंतु सरकार यह मानते हुए कि हाँ वेतन विसंगति हुई है, इसके बावजूद इसे सुधारने में ध्यान नहीं देना चाहती। जो सहायक शिक्षकों का मूल मांग है वो है वेतन विसंगति दूर कराने के लिए, और वेतन विसंगति ये है कि 2013 में जब वेतन पुनरीक्षण किया गया, वेतन निर्धारण किया गया, तो वर्ग 2 और वर्ग 1 वाले जो हैं उनका 4200 और 4100 ग्रेड पे किया गया और हमको 2400 ग्रेड पे देते हुए 5200 के स्केल पे रखा गया, जिसके कारण आज वर्तमान स्थिति में एक शिक्षक LB जो मिडिल स्कूल में है और एक प्राइमरी के सहायक शिक्षक LB के वेतन में 10 से 15 हज़ार का
बहुत भारी अंतर आ रहा है और आज के समय में 10 से 15,000 एक सामान्य परिवार का महीने भर का राशन का गुजारा है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए हम बार बार शासन से निवेदन करते रहते हैं, समय समय पर आंदोलन भी करते रहते हैं। अंतर कैसा आ रहा है? ये अंतर ऐसे आ रहा है कि जो पे फिक्सेशन किया गया 2013 में, उस समय हमारा न्यूनतम स्केल पर वेतन फिक्स किया गया, जो 5,000 पे फिक्स करना था तो हमको भी 9,342 का ग्रेड पे मिलता, वो हमारा 4,000 में फिक्स कर दिया गया, जिसके कारण वो 7,200 और इसमें 2,400 ग्रेड पे में 5,200 प्लस 2,400 ग्रेड पे वाले स्केल पे हमको डाला गया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे राज्य में भी जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर सहायक शिक्षकों को 4,200 का ग्रेड पे दिया जाता है, और भी कई राज्य हैं जहाँ पर सहायक शिक्षकों को 4,200 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं शासन से। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन कांग्रेस, ये पिछले सत्र तक जब ये शासन में नहीं थे, हमारे हर आंदोलन हर मंच पर आते थे, इन्होंने वेतन विसंगति को स्वीकार भी किया है और कहा भी था कि हम आपकी वेतन विसंगति शासन में सत्ता में आते ही दूर करेंगे, पर आज 4 साल चौथा साल शुरू हो गया है, अभी तक इनके द्वारा वेतन विसंगति दूर करने के विषय में कोई भी बात, कोई भी पहल नहीं की गई है। पिछले सत्र हमने आंदोलन किया तो इनके द्वारा कमेटी बनाई गई, कहा गया 3 महीने में हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी और आपकी वेतन विसंगति दूर करने के लिए जो भी प्रयास होगा उसको आपके सामने रखा जाएगा। आज 9 महीने से ज़्यादा हो गए, 9 महीने में दूसरी पीढ़ी का जन्म हो जाता है इस संसार में, नई पीढ़ी आ जाती है, पर हमारे शासन के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट जो 3 महीने में आनी थी आज 9 महीने में भी नहीं आ पाई। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभागीय अध्यक्ष कौशलेंद्र पांडेय का कहना है, यह सरकार की बेशर्मी है कि विधायक मंत्री का वेतन तुरंत बढ़ जाता है और कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता देने से सरकार भाग रही है। हमने तीसरे चरण का आंदोलन 5 दिन का पूरा किया है, अब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है, आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर काम बंद करने का फैसला लेंगे। हम लोग का महंगाई भत्ता केंद्र के समान 34% देय तिथि से दिया जाए और मकान भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान में दिया जाए, ये 2 सूत्र को लेके हम लोग शासन से अनिश्चितकालीन आंदोलन किए थे और ये आज 5वां दिन था हमारा। पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा आंदोलन चला, हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी एकजुटता के साथ इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। प्रदेश का सारा कामकाज ठप था, इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार के कान में जू नहीं रहेगा और छत्तीसगढ़ सरकार की बेशर्मी, कर्मचारी अधिकारी 5 लाख कर्मचारी अधिकारी सड़क पे थे, आंदोलन कर रहे थे अपने वेतन भत्तों की मांग को लेके, लेकिन सरकार ने अपने विधायकों और मंत्रियों का वेतन बढ़ा दिया तो ये पूरी प्रदेश की जनता देख रही है। ये शासन जो के सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी बेशर्मी को सबने देखा है और मैं समझता हूँ कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं इनको कोई अतिरिक्त ये पारितोषिक नहीं देते हैं, हम जो कर के रूप में देते हैं सरकार को, जो हम कर के रूप में हम जैसे कोई आटा खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, शक्कर खरीद रहे हैं, बहुत सारे जो भी सामान खरीद रहे हैं, हम अपने वेतन से इनकम टैक्स बटा रहे हैं, ये सब जो संचित होता है वही निधि हमको वेतन भत्ते के रूप में मिलता है, तो हमारा ही पैसा है लेकिन सरकार हमको नहीं दे रही है और उससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में बहुत आक्रोश था। उसी आक्रोश के उसमें ये तीसरे चरण का हमारा आंदोलन था, लेकिन सरकार से हम कोई बात नहीं हुई है और आने वाले समय में इस पे अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा हम सब करेंगे। फिलहाल अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 5 दिवस तक सामूहिक अवकाश लेकर अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल किया है, आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी है, ऐसे में सरकार का क्या रुख होगा यह तो आने वाला समय में ही पता चल सकेगा।